बुंदेलखंड में वीर छत्रसाल ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। दिसंबर 1728 में मोहम्मद खान बंगश के नेतृत्व में एक मुगल सेना ने उन पर हमला किया और उनके किले और परिवार को घेर लिया। उस समय राजा छत्रसाल की उम्र 80 वर्ष के आसपास थी। उन्होंने मोहम्मद खान बंगश से बहादुरी से लड़ाई की और महीनों तक उससे लोहा लेते रहे, लेकिन मुगलिया फौज में सैनिकों की कोई कमी नहीं थी। विरक्त बीज की तरह मरने के बाद भी बढ़ते जाते। अंततः वृद्ध राजा छत्रसाल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। उन्होंने सहायता के लिए आसपास के हिंदू राजाओं को पत्र लिखा, पर मुगलों के भय से भयभीत वे कायर छत्रसाल की मदद को आगे न आए। जब छत्रसाल के लिए सब जगह से नकारात्मक उत्तर ही आ रहे थे, तब उन्होंने मराठों के नए गौरव और अपराजेय योद्धा बाजीराव बलाड़ को बड़ी उम्मीद के साथ पत्र लिखा। उस समय का इतिहास कवि और चारण लिखा करते थे। उन्होंने राजा छत्रसाल के पत्र का ब्यौरा दोहा में लिखा कि जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, बाजी राखो लाज। छत्रसाल बाजीराव से आग्रह करते हैं कि जैसे ग्राह के बंधन में हाथी फंसा हुआ था, वैसे ही मेरी गति हो रही है। हे बाजीराव, आज बुंदेलखंड बाजी हार रहा है, युद्ध हार रहा है, आप आकर बुंदेलखंड की लाज रख लो। कहते हैं कि जब वह पत्र बाजीराव बलाड़ के सामने पहुंचा तो वे खाना खा रहे थे। पत्र पढ़ते ही बाजीराव खाना छोड़कर उठ खड़े हुए। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि खाना तो खा लीजिए। तब बाजीराव ने कहा कि अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो इतिहास लिखेगा कि एक वीर राजपूत ने मदद मांगी और एक ब्राह्मण बैठकर भोजन करता रहा। ऐसा कहते हुए भोजन की थाली को छोड़कर बाजीराव बलाड़ ने कवच बांधा और अपनी सेना के साथ राजा छत्रसाल की मदद को बिजली की गति से दौड़ पड़े। उन्होंने 10 दिनों की दूरी केवल 48 घंटों में रौंद डाला और बुंदेलखंड की धरती पर अपने घोड़ों के टापों से विजय इतिहास लिखने लगे। छत्रसाल और बाजीराव के सम्मिलित प्रहार से बंगश खान की सेना के पैर उखड़ गए और अंततः बाजीराव की तलवार ने बंगश खान के सिर का बोझ उसके धड़ से उतार दिया। जब बाजीराव बलाड़ बंगश खान की गर्दन काटकर राजा छत्रसाल के सामने गए तो छत्रसाल ने बाजीराव बलाड़ को गले लगाते हुए कहा, जग उपजे दो ब्राह्मणा, परशो बाजी राव, एक डाही रजपूतिया, एक डाही तुर्काव। छत्रसाल कहते हैं कि धरती पर दो ही ब्राह्मण आए हैं, एक परशुराम जिन्होंने अहंकारी क्षत्रियों का मान मर्दन किया और दूसरा बाजीराव बलाड़ जिसने मल्लेच्छ लुटेरे मुगलों का सर्वनाश किया है। और फिर आगे चलकर यहीं से बाजीराव के जीवन में मस्तानी का प्रवेश होता है।